पौड़ी के नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने एक बार फिर से सुर्खियों में है। उनके द्वारा दिया गया बयान सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। यशपाल बेनाम ने मीडिया को बताया कि पौड़ी बस अड्डे को लेकर उन्होंने बहुत मेहनत की है और यह बस अड्डा नहीं उन्हीं के प्रयासों से बना हुआ है। तो सरकार उनके कार्यकाल में रहते हुए बस अड्डे का नाम यशपाल बेनाम बस अड्डा कर दें। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम का नाम रखा गया है, उसी तरह पौड़ी बस अड्डे का नाम भी यशपाल बेनाम बस अड्डा रख देना चाहिए। उनके इस बयान से नगरपालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम सुर्खियों में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पौड़ी से मुकेश वचेती की रिपोर्ट। और जो आपने सोशल मीडिया की बात की है कि मेरे नाम से होना चाहिए, निश्चित रूप से ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने इसे पूरी देख रेख, हालांकि इसमें कार्यदायी संस्था PWD थी, लेकिन मेरी बेचैनी को जो स्टेशन के प्रति जो मेरा व्यवहार रहा है, तमाम बार मैं वहाँ जाता रहा हूँ, ठेकेदार से निवेदन करता रहा हूँ, उसे मैंने कई बार डांटा भी है कि जल्दीबाजी से काम कराया जाए। कार्यदायी संस्था को मैं लगातार लगा रहा कि काम शीघ्र कराया जाए। और आर्किटेक्ट चमोली जी ने भी कहा है, जो हमारी स्ट्रक्चर डिजाइन है, कि अगर इसमें यशपाल बेनाम नहीं होता तो ये बस अड्डा मुझे लगता है कि इसे बनने में और टाइम लगता है। ठेकेदारों को आपको विश्वास होगा या नहीं होगा, जो ठेकेदार इसे काम करा रहे हैं, आप जिनसे मैंने काम कराया है, दो टेंडर पड़े थे, दो बार टेंडर पड़े, दोनों बार कोई ठेकेदार नहीं आया। तो अंत्योदय जो हमारे जिन्होंने सेनेटर हाउस और ये बिल्डिंग बनाई है, उनसे मैंने निवेदन किया कि आप इसमें डालिए, और उन्होंने बहुत जल्दी इसे गुणवत्तापूर्ण इस काम को पूरा किया है। तो कुल मिला के पौड़ी की पब्लिक जानती है कि इसमें मेरा एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी